हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरआर टेक मैथ में। आज हम प्लान नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ लेसन प्लान। तो इसके अंदर हम कंप्लीट जानकारी आज लेंगे और समझेंगे पूरे प्लान को। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या है कि कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हम इस तरीके की कंप्लीट वीडियो बनाते रहते हैं और अब तक हमने ज़्यादातर फर्स्ट ईयर की कंप्लीट डायरियां हमने बना के डाल दी हैं। इसके बाद हम सेकंड ईयर की भी डायरियां स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ सेकंड ईयर की आप बना सकते हैं अगर आपके पास डायरियाँ अवेलेबल हैं तो। और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको तो बनानी बनानी है, तो आप यहाँ से कंप्लीट डायरी बना सकते हैं। कोशिश हमने की है प्रत्येक टॉपिक यहाँ पर बनाया जाए, तो अगर आप हमें भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम और भी डायरियाँ लेके आएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करें। प्लान नंबर 6 यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है जो आपको अलॉट हुआ है। यहाँ पर डेट कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन डेट वही हमने लिखी है जो हमें इंटर्नशिप के समय मिली थी। मान लो आपको 4 हफ्ते की इंटर्नशिप मिली थी, तो 4 हफ्ते में से हमने कोई एक डेट यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर क्लास, यहाँ पर पीरियड, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखी है, तो यहाँ पर हम विज्ञान को लेने वाले हैं आज। यहाँ पर विज्ञान का टॉपिक है, तो वो हमने टॉपिक लिया है ध्वनि, यानी चैप्टर का नाम है। और यहाँ पर छात्र अध्यापक का नाम है, तो यहाँ पर उसका जो नाम है वो हमने यहाँ पर लिखा है। इस तरीके से आप कंप्लीट इसको करेंगे पहले। फिर यहाँ पर निरीक्षण और आलोचनाएं हैं, उनके द्वारा क्या क्या निरीक्षण किया गया है और उनको क्या क्या आलोचनाएं दी गई, उनके क्या क्या कार्य थे उनको बताया गया। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर पाठ योजना की तैयारी लेख। नंबर 1, पाठ योजना प्रकरण के अनुसार थी। पाठ योजना में छात्र क्रिया शामिल थी। पाठ योजना नवीन ज्ञान प्रदान करने वाली थी। प्रस्तावना के बाद विषय वस्तु को पढ़ाया गया। तो ये हमने यहाँ पर 4 पॉइंट बताए। आप और भी पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकती हैं, कम कर सकती हैं, वो आपके ऊपर है। वैसे मैंने यहाँ पर जनरली 4 पॉइंट लिखे हैं और 4 पॉइंट काफ़ी होते हैं लिखने के लिए। नंबर 2 पे हमने पाठ परिचय के बारे में बताया कि पाठ परिचय हमने कैसे निकाला था उन्होंने। तो प्रस्तावना जो है वो प्रश्नों के द्वारा निकाली गई। प्रस्तावना प्रश्न जो थे बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित थे। नंबर 3 पॉइंट, कक्षा की व्यवस्था। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट यहाँ पर यूज किए। कक्षा में छात्रों की बैठक व्यवस्था ठीक थी, कक्षा में अनुशासन ठीक था, कक्षा में छात्र जो है वो रुचि पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। ये 3 पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद मेथड यानी प्रयुक्त विधियाँ कौन सी हैं और उनमें युक्तियाँ आपने कौन सी यूज की हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दी हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। तो इसी तरीके से आप यूज कर सकती हैं। इसके बाद शिक्षक, तो शिक्षक यहाँ पर पूर्ण गणवेश में था। वाणी कक्षा के अनुकूल थी। विषय वस्तु पर शिक्षक की पकड़ अच्छी थी और छात्रों के साथ जो व्यवहार है वो अच्छा किया। नेक्स्ट पॉइंट में कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। तो इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ठीक प्रकार से किया गया। विषय वस्तु से संबंधित चार्ट प्रस्तुत करें, यानी कि इन्होंने जो चार्ट है वो प्रस्तुत नहीं किया था, तो हमने यहाँ पर सुझाव भी दे दिया साथ में कि आप प्रस्तुत करें तो बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। पाठ का मूल्यांकन, यहाँ पर 2 पॉइंट हमने लिखे हैं। विषय वस्तु पर्याप्त थी। विषय वस्तु छात्रों के स्तर के अनुरूप थी। नंबर 8 में हमने 3 पॉइंट लिखे हैं जो सामान्य है। यहाँ पर हमने लिखा है कि ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किया गया, ब्लैक बोर्ड लेख अच्छा था, गृह कार्य दिया गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 में सामान्य व्यवहार, यानी शिक्षक का सामान्य व्यवहार कैसा था वो हमने यहाँ पर लिखा है। ब्लैक बोर्ड एंट्री ठीक से की गई, कक्षा कार्य को
कच्चा कार्य भी दिया गया, शिक्षक के प्रति छात्रों का जो रवैया है वो ठीक था। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने सजेशन दिए हैं, अगर कोई सजेशन हो उसके बारे में तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो इस इंट्री को खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने चार सुझाव दिए हैं, सभी छात्रों पर ध्यान दें, समय का ध्यान रखें, चार्ट मॉडल का प्रयोग करें, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये हमने चार पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, आप भी इसी तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आप सिग्नेचर करवाएंगे उस छात्र अध्यापक से और यहाँ पर आप खुद सिग्नेचर करेंगे। तो ये है आज का प्लान जो हमने कंप्लीट किया है। तो मैं समझता हूँ आपको सारी जानकारी इसमें कंप्लीट समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी प्रत्येक प्रकार की हल यहाँ पर समस्याओं को किया जाएगा। तो आज ये सारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मैं समझता हूँ आपको सारी जानकारी से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे वो भी अपनी डायरी को कंप्लीट तरीके से बना सकें। आपकी क्लास के जितने भी छात्र हैं उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।